पूर्वाग्नि होकर पवित्र अग्नि एवं विद्वानों की साक्षी में प्रतिज्ञा करो कि मैं अपने अध्ययन काल में संयमी सात्विक तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण तथा प्रसन्नता हेतु पुत्रवत आचरण करूंगा। मेरा व्यवहार सतर्कतापूर्ण सेवापरायण तथा उद्दंडता और इच्छा से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी आज्ञा पालक विनम्र निरंतर मननशील एवं शांति संयुक्त रहूंगा। गुरु के अभीष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूंगा। चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता यश एवं हक प्राप्ति के लिए मैं सदैव अपनी विद्या का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण हेतु करता रहूंगा। अत्यधिक व्यस्तता एवं व्यस्तांतरिक की अवस्था में भी मैं दिन रात योगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगा। निज स्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगा तथा पर स्त्री एवं पराय धन की कामना नहीं करूंगा। अनैतिकता मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर पवित्र उचित आनंदवर्धक सचित हितकारी तथा विनम्र वाणी प्रयुक्त करूंगा तथा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए ज्ञान के विकास एवं नवीनतम उपलब्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। किसी स्त्री की चिकित्सा उसके पति अथवा आत्मीय की उपस्थिति में ही करूंगा। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक ध्यान एवं इंद्रियां रोग निदान हेतु ही केंद्रित होंगी। मैं रोगी या उसके घर के संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मैं मरणासन्न रोगी की विवेचना नहीं करूंगा क्योंकि वह रोगी या उसके आत्मीय जनों को आघातकारक हो सकती है। मैं अधिकृत विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगा क्योंकि इससे रोगी के स्वजन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणी नामक विनाशनम्। मुझे न राज्य की न स्वर्ग की न मोक्ष की आकांक्षा है। मेरी आकांक्षा दुख से तप्त प्राणी मात्र का दुख दूर करने की है।